नमस्कार, मैं जसवंत सिंह राजपूत आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भारत की आत्मा में। आज हम बात करेंगे, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, गेंदा की फसल है। तो गेंदा में एक रोग लगता है जो पूरी फसल को बर्बाद कर देता है, और यह जो रोग है वो लगता है लगभग फसल की जब पीक पर फसल होती है, यानी गेंदा के फूल जब बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं, जब फसल निकलने का समय होता है, यानी लगभग ये मान सकते हैं कि 2.5 से 3 महीने की जब गेंदे की उम्र हो जाती है, तब लगभग ये जो रोग है वो आता है। हमारे क्षेत्र में इस रोग को चुरका बोला जाता है, यानी ये पूरे गेंदा में ऐसा लगता है जैसे जल गए हों, पत्तियां काली पड़ जाती है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे लक्षण हैं, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले रोग कैसा होता है, आपको पौधे भी दिखाएंगे इस रोग के कारण जो हमारे पौधे ख़राब हुए हैं उसको भी हम आपको दिखाएंगे, और इसके अलावा उसमें जो गारंटेड ट्रीटमेंट है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और उसका हम छिड़काव किया है वो कैसे किया है, उसका क्या क्या फार्मूला है और वो कैसे काम करता है, ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं रोग की जानकारी, हम देखते हैं चुरका रोग का लक्षण क्या होता है और कैसा ये पौधे में दिखता है और क्या करता है। तो हम आपको बता दें कि चुरका रोग में पत्तियां काली होती हैं, नीचे से काली होती आती है जैसे सूख रहा ऐसा, और ऊपर आते आते पूरा पौधा ऐसा जल जाता है जैसे पानी की कमी के कारण ये जल गया है। इसके अलावा ये फैलता है, अगर आपके खेत में कहीं अगर ये दिखे तो उस पौधे को तुरंत उखाड़ करके बाहर निकाल लेना चाहिए खेत से, ताकि दूसरे में नहीं फैले। इसके अलावा इस रोग का उपचार हम करने के लिए आपको हम दिखा रहे हैं कुछ ट्रीटमेंट। चलिए हम आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं जो हमारे मित्र यशपाल जी ने हमें बताया है, और उनका कई साल का अनुभव ये कहता है कि इस रोग से छुटकारा पाने का अभी वर्तमान में सबसे अच्छा जो उपचार है वो यही है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अधिकतर हमारा प्रयास रहता है जैविक खेती करने का, लेकिन इस बार हमने गेंदे की खेती जैविक नहीं की है, रासायनिक की है, और रासायनिक खेती में जो ट्रीटमेंट है सबसे अच्छा यही है। और जैविक खेती में सामान्यतः ये रोग देखने को नहीं मिलता है, अगर यदि आता भी है तो पूरी फसल में नहीं फैलता है, क्योंकि जैविक खेती में जो पौधे की उम्र होती है गेंदे की वो लगभग 6 महीने से ज़्यादा होती है, जबकि यही फसल यही पौध यही बीज यदि हम रासायनिक खेती करते हैं तो उसमें जो हम टॉनिक डालते हैं, जो कीटनाशक डालते हैं, जो उत्प्रेरक डालते हैं, उसके कारण पौधे जल्दी फूल देते हैं और उसकी उम्र लगभग 4 से 4.5 महीने तक रह जाती है, और जल्दी ग्रोथ करने के कारण ये चुरका रोग इसमें आता है। तो हम आपको दिखाते हैं रोग एवं उसका उपचार। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट हम आपको दिखाते हैं, सबसे पहला जो केमिकल है ये देखिए, इसमें जो केमिकल है डाइफेनोकोनाजोल 25% MM, टोटल ये आपको हम दिखाते हैं 50 ml है। इसमें हमने 25 डिसमिल, जो हमारे गेंदे लगे हैं 25 डिसमिल जगह में, यानी कि 2500 पौधे हैं 1.5x3 की दूरी पर लगाए हैं, उसमें हमने इसको स्प्रे किया है। ये हमने 18 लीटर के 3 पंप में इसको किया है, तो एक 18 लीटर वाले पंप में 16 से 17 ml इसको मिलाया है। इलेक्ट्रिक पंप है हमारे पास, बैटरी चलित, उसमें ये है पहला। इसके साथ दूसरा जो है वो पाउच है, ये आप देखिए, ये भी अलग अलग कंपनी के आते हैं, क्लोरोथेलोनिल 75% WP, ये फंगिसाइड है। ये दो पाउच थे, इनमें हमने 18 लीटर में 3 पंप किया है। क्या किया हमने, दोनों पाउच को एक डब्बे में 3 लीटर पानी लिया, उसमें दोनों पाउच को मिलाया, और एक पंप में 1 लीटर जो घोल था वो हमने मिलाया। इस तरह से हमने 2 पाउच को 3 पंप में किया। इसको भी तो आप जानते पहचानते होंगे, इसको सेपरेटर बोला जाता है। इसका मुख्य काम है कि 2 या 3 तरह की दवा जब हम एक साथ स्प्रे करते हैं तो ये आपस में रिएक्शन नहीं होने देता जल्दी से। ये सेपरेटर नाम से चलता है अधिकतर। इसका केमिकल जो फार्मूला है वो भी आप देख लीजिए, टेट्रासाइकिल है, स्ट्रेपेनोसिल सल्फेट है, हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म में है,
इसका स्प्रे हमने किया है। तो इस तरह से हम इस रोग से बच सकते हैं और जो फसल पीक पर है उससे जो होने वाला भारी नुकसान है उससे हम बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी अथवा नए किसान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।